Hello students, welcome back after half yearly exam. Okay, so again we will start chapter 9 flow of control. इसमें हम statement flow control में आपको sequence, आपको पता चल चुका है sequence क्या होता है कि जिसमें program continuity में चलता है, means कोई भी condition check नहीं होती. ओके और सिलेक्शन आपने किया है, जो आपकी इफ स्टेटमेंट्स थी वो सारी की सारी किसमें आती है, सिलेक्शन में आती है. नेक्स्ट है आपका रेपिटेशन इटरेशन और लूपिंग. अब रेपिटेशन इटरेशन लूपिंग होता क्या है, देखिए सिलेक्शन में क्या था कि आप एक कंडीशन चेक करते थे, अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है तभी आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी, ठीक है. लेकिन उसमें भी क्या है कि आप वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप किसी को 100 टाइम्स एक स्टेटमेंट को अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको किस तरीके से करेंगे. सपोज करो कि मुझे क्या करना है कि मैं 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग को प्रिंट करना चाहती हूँ. ओके 1 to 100 मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, क्या मैं इस तरीके से लिखूँ प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट, ठीक है, इस तरीके से 50 3 4 5 6 7, क्या मुझे इस तरीके से करना चाहिए? नहीं, मैं इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से करूँगी तो मुझे पता नहीं कितना लेंथी प्रोग्राम लिखना पड़ जाएगा. तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिससे सिर्फ 2-3 लाइंस में ही आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम फिनिश हो जाए, ठीक है. कि 1 to 100 मुझे लिखना है, सिर्फ मुझे 2-3 लाइंस ही लिखनी पड़े और मैं 1 to 100 की काउंटिंग प्रिंट करवा दूँ. या कोई मुझे टेबल प्रिंट करवाना है तो कहीं तक का भी टेबल मुझे प्रिंट करवाना है, मैं इजिली प्रिंट कर पाऊँ. तो आप देखिए, अगर आप 1 to 3 भी लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपने इस तरीके से लिखा, तो आपको पता है कि इसमें गैप कितने कितने नंबर का आ रहा है, 1-1 का गैप आ रहा है, ठीक है ना. हर एक में क्या है, 1-1 नंबर का गैप है, ठीक है. तो जहाँ पर एक सेम गैप आ रहा है तो उसके लिए हम एक इजीली एक फंक्शन होता है हमारे पास, रेंज फंक्शन, उसको यूज़ कर सकते हैं. तो वो किस तरीके से किया जाएगा तो वो हम आप देखेंगे. ओके तो आपका रेपिटेशन इटरेशन का मीनिंग क्या है कि अगर आपको 1 to 100 प्रिंट करवाना है, 1 to 100 आपको कोई काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो आपको किस तरीके से करें कि आपको बार बार काउंटिंग ना लिखनी पड़े, बस आप एक लूप चलाएं कि अगर आपकी कंडीशन जैसे सेटिस्फाइड होती है, अगर कंडीशन आपकी क्या हुई ट्रू हो गई, कंडीशन आपकी क्या हुई ट्रू हुई, तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, और लूप फिर से वापस इसी कंडीशन पर चला जाए, ठीक है. और ये लूप कंटिन्यू चलता जाए कब तक, जब तक कि आपकी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है. तो ये इसका मीनिंग क्या है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होती रहेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी बार बार, आपका एक पूरा ये लूप चलता रहेगा ऐसे, ठीक है, कंटिन्यूसली आपका लूप चलता जाएगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तब वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है. तो किस तरीके से है कि ये इटरेशन का मीनिंग क्या होता है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपकी कंडीशन क्या है ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन क्या हो गई आपकी ट्रू हुई, कंडीशन आपकी क्या हो गई ट्रू, तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी कब तक, जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है. कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट को राइट किया, अगेन लूप चला गया कंडीशन पर, फिर से अगेन कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. थर्ड टाइम फिर से कंडीशन चेक हो गई, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. इस तरीके से लूप कंटिन्यूटी में चलता जाएगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, हो जाती, अगर कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो एग्जीक्यूट होगी इस टाइम पर, ठीक है, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, जब आपकी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई. तो ये लूप कंटिन्यूटी में चलता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन क्या है ट्रू है. तो अब हम इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास 2 लूप्स आते हैं. एक तो होता है काउंटिंग लूप, 1 इज काउंटिंग लूप, ठीक है. सेकंड है हमारे पास कंडीशनल लूप, कंडीशनल लूप, ठीक है.
एक है रेपिटेशन में, एक है काउंटिंग लूप, सेकंड है आपका कंडीशनल लूप। तो अभी हम काउंटिंग लूप के बारे में बात करेंगे जिसमें आता है फोर लूप, फोर, ठीक है। और आपका जो कंडीशनल लूप है वो उसमें आता है व्हाइल। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, फोर लूप की बात करेंगे। फोर लूप समझने के लिए पहले आपको टू एक तो फंक्शन समझना पड़ेगा, रेंज। एक फंक्शन है हमारे पास रेंज फंक्शन, ठीक है। एक तो रेंज फंक्शन को समझना पड़ेगा। इस रेंज फंक्शन के साथ ही आपको इन और नॉट इन आप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये ज्यादा मेंबरशिप ऑपरेटर। मैंने आपको कहा था कि जब हम ऑपरेटर्स कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि एक दो ऑपरेटर और है, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर नहीं करूंगी, हम बाद में क्लियर करेंगे उसको। देन दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स, तो नेम देम। तो कौन कौन से इन एंड नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपके बुक में लिखा गया है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग लूप की बात करेंगे, काउंटिंग लूप समझेंगे, फोर लूप। फोर लूप समझने के लिए फोर लूप कैसे यूज करेंगे, उससे पहले हम समझेंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अगर आपको रेंज फंक्शन क्लियर नहीं है तो फोर लूप भी नहीं चला पाएंगे, ओके। तो मेन जो है वो रेंज फंक्शन ही है फोर लूप चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको रेंज फंक्शन क्लियर कर रही हूँ, रेंज फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, ओके। तो देखिए रेंज फंक्शन, देखिए रेंज फंक्शन क्या है। रेंज फंक्शन की आपको कोई लूप चलाना है अब, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए। अब इसमें आपकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज द 1, ओके। लोअर लिमिट इज 1 एंड 100 इज योर अपर लिमिट। व्हाट इज द 100, 100 इज द अपर लिमिट, ओके। 1 क्या है आपकी लोअर लिमिट और 100 क्या है आपकी अपर लिमिट। तो आपकी काउंटिंग 1 टू 100 प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक। और आप ये देखो 1 टू 100 तक लिखने में हर एक नंबर के बीच में गैप कितना आता है सबको पता है, 1 1 नंबर का गैप आता है। जैसे हमें काउंटिंग में हम करते हैं तो 1 1 नंबर का गैप आता है, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे रेंज फंक्शन, हम इसके लिए यूज करेंगे। रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है, सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन, सिंटैक्स रेंज, यहां पे आएगा लोअर, लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, अपर लिमिट एंड देन स्टेप, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, रेंज, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और फिर हम देंगे स्टेप। आपका अपर लिमिट आपका कंपलसरी है, यू हैव टू गिव, आपको देना ही देना है। बाकी जो स्टेप है और जो लोअर लिमिट है ये कोई कंपल्शन नहीं है देना, लेकिन अभी हम हर तरीके से देखेंगे रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दूंगी। रेंज हम कैसे करेंगे, रेंज फंक्शन आपने यूज किया, आप लोअर लिमिट जीरो से, जैसे सपोज करो मैं 0 to 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे 0 से मुझे क्या प्रिंट करवाना है, 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये प्रिंट करता है रेंज 0 to 100, ये किसके कौन से नंबर लेगा, ये 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 10 वाला नंबर नहीं प्रिंट करेगा ये, ठीक है। क्यों, ये क्या करता है, रेंज फंक्शन कैसे लेता है, जो आपकी अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट का -1 लेकर के चलता है, ठीक है। तो अपर लिमिट इसमें क्या है आपकी 10 है, 10 का क्या करेगा, -1 करेगा। अब इसमें 0 से लेकर के 9 तक, अगर सपोज कर आपको 10 तक ही प्रिंट करना है तो आपको अपर लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, एक ज्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि 11 रखेंगे। अब देखो ये मैंने क्या दिया, दिस इज योर लोअर लिमिट, की लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट को 0 से स्टार्ट करता है, ओके। एंड अपर लिमिट क्या है आपने 11 दी है, 11 का क्या करेगा वो -1 करेगा, यानी 0 to 10 तक की काउंटिंग आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या था आपका, स्टेप था, स्टेप मैंने नहीं दिया क्योंकि ये ऑप्शनल है। और स्टेप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप इज बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट क्या है प्लस वन होता है, ठीक है। स्टेप क्या है प्लस वन होता है बाय डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पर देखो वन वन का गैप उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ऐसा नहीं कि मैं रेंज जीरो टू इलेवन लिखूंगी और वो प्रिंट कर देगा, ऐसे प्रिंट नहीं करेगा, आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। रेंज फंक्शन को आप डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे सोचो मैं रेंज जीरो टू इलेवन लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, आपको फोर लूप यूज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। फोर लूप में आप रेंज फंक्शन को यूज करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिर्फ रेंज फंक्शन में किस लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आप फोर लूप के साथ रेंज यूज करेंगे तो रेंज हमारा चलेगा कैसे, जीरो टू इलेवन, जीरो टू टेन, यानी कि जीरो टू इलेवन आपने चलाया, जीरो वन टू जीरो टू टेन ये प्रिंट कर देगा, और प्लस वन क्या रहेगा आपका इंक्रीमेंट रहेगा, ओके। अब इसी तरीके से एक तो ये हो गया कि आपने स्टेप नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने स्टेप नहीं दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक स्टेप देंगे, ओके। अब हम क्या देखते हैं लोअर लिमिट के साथ, जैसे मैंने दिया कि रेंज दिया यहाँ पर रेंज जीरो टू टेन और फिर दिया मैंने टू। अब यहाँ पे देखो मैंने लोअर लिमिट दी जीरो, ठीक है, अपर लिमिट दी मैंने टेन, और यहाँ पे स्टेप कितना दिया है टू। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, यानी टू टू का गैप, स्टेप टू का मीनिंग क्या है, टू टू का गैप प्रिंट करना है। अगर थ्री दोगे तो वो थ्री थ्री का गैप प्रिंट करेगा। तो जीरो टू टेन, जीरो टू टेन का मीनिंग आप पहले ही देख लेना कि टेन इतने नंबर तो प्रिंट नहीं होगा, यानी नाइन तक चलेगा वो, ठीक है। तो हम कैसे ये कैसे प्रिंट करेगा, जीरो फिर टू फोर सिक्स एट, एट के बाद क्या आएगा टेन, लेकिन टेंथ नंबर वो प्रिंट नहीं करेगा, नाइन तक ही लूप चलना था, तो नाइन आपका नहीं प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये आपका अगर स्टेप आप, अगर आपको बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वन का ही रखना है तो देर इज नो नीड टू गिव, आपको देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टेप चेंज करना है, टू देना है, फोर देना है, फाइव देना है, देन यू हैव टू गिव द स्टेप, ठीक है। इसी तरीके से हम माइनस में भी दे सकते हैं कि हमें बैकवर्ड काउंटिंग लिखवानी है, हंड्रेड टू वन लिखवाना है, तो हम बैकवर्ड देंगे माइनस वन, उसके लिए हम करेंगे तो हम कैसे देंगे रेंज, ठीक है, फाइव टू जीरो प्रिंट करना है। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है आपकी, फाइव है, अपर लिमिट क्या हो गई आपकी, जीरो हुई, ये फाइव टू जीरो प्रिंट करे तो, और यहाँ पे स्टेप आप क्या देंगे माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर वो किस तरीके से प्रिंट करेगा, आप यहाँ पे फाइव फोर थ्री टू वन, जीरो वाला नंबर प्रिंट नहीं करेगा, जीरो से पहले जीरो के बाद क्या आ जाएगा वन आएगा ना, तो फाइव टू वन वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रेंज फंक्शन, ओके। तो अब जीरो इसी के साथ में इन और नोटिंग को हम बाद में देखेंगे, पहले जीरो अब इसी को हम क्या करते हैं फोर लूप में यूज करते हैं कि फोर लूप हमें यूज कैसे करना है रेंज फंक्शन के साथ। आई होप कि आपको रेंज फंक्शन पूरा क्लियर हो चुका है। रेंज फंक्शन जीरो टू इलेवन मीन्स जब आपको किसी चीज़ को बार बार प्रिंट करवाना है तो आप क्या करते हैं कि आप बार बार प्रिंट 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 लिखने की बजाय तो आप एक रेंज फंक्शन यूज कर लेते हैं और वो इस तरीके से आपकी वैल्यूज प्रिंट करता है, जिसमें आप लोअर लिमिट देते हैं, अपर लिमिट देते हैं और एक स्टेप देते हैं। तो वो बैकवर्ड भी हो सकता है, माइनस में भी स्टेप दे सकते हैं, ठीक है। और आप जो इंक्रीमेंट है आप प्लस में आपका हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फोर लूप के साथ हम इसको रेंज फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। अब ये देखिए फोर लूप जो आपको मैंने कहा था कि आपका इटरेशन इटरेशन या लूपिंग, ठीक है, रेपिटेशन है ना, ये रेपिटेशन मीन्स आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कब तक करना है, जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इटरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास टू टाइप की है, एक तो है काउंटिंग, ठीक है, एक है आपकी कंडीशनल। तो अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग काउंटिंग। काउंटिंग में कि काउंटिंग में क्या होता है कि आपको पहले से ही पता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको लूप चलाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 टू 100 प्रिंट करना है, 1 टू 100 प्रिंट करना है तो मुझे पता है कि मेरी अपर लिमिट 100 है, मुझे 100 टाइम्स ही लूप चलाना है, तो मुझे पता है ये। तो वो किसमें आता है, काउंटिंग में आता है, और काउंटिंग लूप कौन सा है आपका फोर लूप, ठीक है। अब हम फोर लूप का सिंटैक्स देखेंगे, फोर लूप आप यूज कैसे करेंगे।
काउंटिंग लूप, ठीक है, काउंटिंग लूप जिसमें आपको पहले से ही पता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको एग्जीक्यूट करना है. ओके, तो अब हम कैसे इसका सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं, देखो फोर स्मॉल में आएगा और फिर यहाँ पे आता है आपका एक वेरिएबल नेम, यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा वेरिएबल, ठीक है, और फिर आएगा आपका इन, ठीक है, और फिर आप क्या यूज करते हैं, एक तो इन यूज करते हैं, इनके साथ में रेंज कैसे यूज करना है फोर के साथ में, पहले मैं वो क्लियर कर रही हूँ, इनको हम बाद में देखेंगे. फोर वेरिएबल इन इतना तो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है, फोर वेरिएबल इन रेंज फंक्शन को यूज करना है रेंज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्वेंस, क्या सिक्वेंस आपको देना है, ठीक है, रेंज और फिर क्या आ जाएगा सिक्वेंस. ओके, और फिर उसके बाद क्या लगेगा आपका कोलन. फोर वेरिएबल, वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो, आई जे के एल एम एनी वेरिएबल नेम यू कैन गिव, मोस्टली हम ऐसे देते हैं, बहुत बड़े बड़े नेम नहीं देते हम, यहाँ पर फोर के साथ में मोस्टली आई जे के हम ऐसे ही रखते हैं ताकि छोटा रहे. ओके, तो फोर वेरिएबल नेम इन रेंज सिक्वेंस. अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, टू प्रिंट वन टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100. ओके, अब हम एक लिखते हैं 1 to 100 काउंटिंग हमें प्रिंट करवाना है, उसका एक प्रोसीजर एक प्रोग्राम लिखते हैं. तो कैसे लिखेंगे, दो लाइन में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ओनली इन टू लाइन्स. कैसे देखिए, फोर आई, मैंने वेरिएबल नेम क्या रखा है आई, ओके, इन रेंज और सिक्वेंस देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे काउंटिंग कहाँ से प्रिंट करनी है, 1 to 100 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 1, 1, 100. अब मुझे 100 तक प्रिंट करना है ना, तो मैं अगर 100 लिखूंगी यहाँ पर तो वो क्या करेगा, वो 100 मैंने लिखा तो क्या करेगा, 99 तक प्रिंट करेगा. तो इसके लिए मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, 101 तक मुझे लेना पड़ेगा. और ये आपका स्टेप क्या है, ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते एज यू विश, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट होता ही होता है. ओके, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, कोलन. ओके, कोलन लगाया, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, आप अपने आप देखना आपका कर्सर यहाँ 4 के F के नीचे कभी नहीं आएगा. ओके, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ता है और फिर स्पेस छोड़ करके यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका इंडेंटेशन. ध्यान रखना, मैंने आपको इस स्टेटमेंट में भी बार बार बता रही हूँ कि इंडेंटेशन बहुत नेसेसरी है, आपको पता होना चाहिए इंडेंटेशन के बारे में कि इंडेंटेशन क्या होता है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है. अब यहाँ पर देखो कि जब आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो इंटरप्रेटर कि जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू होने के वो चेक करता है कि उसको करना क्या है. तो जो लाइन आपकी इंडेंटेशन में है वही काम उसको करना होता है, ठीक है. अगर मैं लिख देती हूँ, मैंने ये लिख दिया प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे, प्रिंट आई को प्रिंट कर दे, तो यहाँ एरर आ जाएगा. आप करके देखना, इसको एरर आएगा, इंडेंटेशन नहीं दिया है, फोर के बाद उसको पता ही चलेगा, इंटरप्रेटर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि इंडेंटेशन के यहाँ कौन, इसके बाद में एक स्टेटमेंट होनी चाहिए थी जो कि इंडेंटेशन में हो, जिससे इंटरप्रेटर को पता चलता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको करना क्या है, ठीक है. कम से कम एक स्टेटमेंट आपकी रहनी ही रहनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पर आपकी एरर आ जाएगी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडेंटेशन में लिखना है प्रिंट. अब देखो मुझे क्या करना है, प्रिंट आई मुझे क्या करना है, मैं आउटपुट कैसे चाहती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चाहती हूँ लाइन में, ठीक है. तो कैसे प्रिंट होगा, प्रिंट आई, बस आई. अब ये चल कैसे रहा है, मैं ये बताती हूँ आपको. 4i इन रेंज 100 101, और 1 का आपका इंक्रीमेंट है, प्रिंट करना है आई को. कैसे चला, अब देखो यहाँ पे आई क्या है, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पे मैं रेंज
रेंज क्या दी है, मैंने 1 दी है, 1 से 100 1 तक चलना चाहिए, तो मैंने आई क्या दिया, 1 से 100 1, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या हुई, 1 हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। आपको इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन क्या है, उसको इंडेंटेशन मिल गया, तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेंटेशन मिला है उसको, उसको लोग इंटरप्रेटर को पता चल गया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाइड है ना कि 101 से जब अबव जाएगा ना तब वो एरर शो कर देगा, तब वो फॉल्स शो करेगा कि अब कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही है, आपको सिर्फ 100 तक ही प्रिंट करना था, जैसे 101 पे पहुंचा वो नीचे आ जाएगा और आपका जो भी डाटा है जो आप प्रिंट करवा रहे थे वो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, 1 हुआ, प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या प्रिंट करेगा, 1। अब प्रिंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कहाँ पर आता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, अब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, नेक्स्ट ये फिर से गया लूप पर। अब आई की वैल्यू दिस टाइम क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, अब आई की वैल्यू दिस टाइम क्या है, 2, ओके। तो नेक्स्ट टाइम इंटरप्रेटर फिर से नीचे आया, प्रिंट आई, उसने क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, अब अगेन आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 2। नेक्स्ट अगेन लूप कहाँ गया, ऊपर चला गया, अब आई की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, आई की वैल्यू 3 हुई, प्रिंट क्या कर दिया उसने, 3। इस तरीके से ये लूप कंटिन्यूटी में चलता जाएगा जब आई की वैल्यू 100 हो गई। अब आई की वैल्यू सपोज करो 100 हुई, ठीक है, उसने सब प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 100 होगी, उसने 100 भी प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो ऊपर गया, अब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, उसको 100 तक ही उसकी रेंज दी गई थी, वो 100 तक ही प्रिंट कर सकता था, अब आई की वैल्यू और नहीं जाएगी, और वो क्या करेगा, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी है, सपोज करो मैं लिखती हूँ प्रिंट प्रोग्राम ओवर, प्रोग्राम ओवर, ठीक है, तो जब तक कंडीशन आपकी ट्रू होती जा रही है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, ये नहीं होगी, ये कहाँ इंडेंटेशन के बाहर है, तो ये हमने कोई कंडीशन में नहीं डाली है स्टेटमेंट कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये भी प्रिंट होना चाहिए, नहीं, ये इंडेंटेशन के बाहर है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं पर कंडीशन ट्रू होती है, जो भी स्टेटमेंट इंडेंटेशन में है सिर्फ वही मानी जाएगी कि उसको प्रिंट करना है, ओके। तो ये वाली कंडीशन जैसी आपकी 1 to 100, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्रोग्राम ओवर, प्रोग्राम ओवर, जैसे ही 101 हुई आई की वैल्यू, वो प्रिंट आई नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी और लूप उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट पर, प्रिंट प्रोग्राम ओवर। ये था आपका फोर लूप, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट और मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हम करेंगे 4 के साथ में, ताकि आपको चीज़ें ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाए, और रेंज फंक्शन एक तरीके से और हम यूज़ करते हैं कि इसी में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सपोज करो रेंज हमने दिया, अभी आपने क्या किया है रेंज में, आपने लोअर लिमिट भी दी, अपर लिमिट भी दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गई, ठीक है, और साथ में हुआ आपका स्टेप, मैंने आपको कहा था कि अपर लिमिट देना जरूरी होता है, लोअर लिमिट और स्टेप देना जरूरी नहीं है, स्टेप अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करेगा, लोअर लिमिट नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा, ओके। तो हम रेंज फंक्शन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे रेंज हमने क्या दिया, 10 दिया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लोअर लिमिट ये मान करके चलता है, अगर आप एक ही वैल्यू दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो मान के चलता है कि रेंज आपका जो अपर लिमिट है वो 10 है, 10 है, तो आप उसको 9 तक प्रिंट करना है, मींस 9 टाइम्स उसको लूप को प्रिंट करवाना है, 9 टाइम्स आपका लूप चलेगा, जरूरी नहीं आप कुछ प्रिंट ही करवा रहे हैं, कुछ और भी काम हो सकता है, ठीक है, मींस इसका मीनिंग होता है 9 टाइम्स लूप को चलाना है, ओके। तो यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं थी, मैंने स्टेप नहीं दी, तो वो प्रिंट कैसे करेगा, प्रिंट जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट करेगा, पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस तरीके से प्रिंट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, लोअर लिमिट अगर नहीं गिवन है, और इंक्रीमेंट आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा बाय डिफॉल्ट, अपर लिमिट इज नेसेसरी टू गिव, ओके। दिस वाज योर फॉर लूप, अभी हम इसका एक और प्रोग्राम करते हैं।